स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट फोर वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट फोर वीडियो में प्रश्नावली 3.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। मान लीजिए कि ए बराबर में यहाँ एक मैट्रिक्स दिया है, बी बराबर दिया है और सी बराबर, ये तीन मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। तीनों की कोटियाँ समान है इसलिए इसे हम लोग आसानी से जोड़ घटाव कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी जोड़ना है ना जी। चलिए ए का वैल्यू आपके पास है 2432 और बी का वैल्यू है हमारे पास क्या है 13-25। चलिए ऐड करना, सिंपली आप जोड़ लो, क्या हो जाएगा जोड़ने पे, 3 संगत अवयव जोड़ेंगे ना, 7-1-7, यही ना होगा। चलिए फिर दूसरे में कह रहा है ए माइनस बी, यानी घटाना है आपकी बार। ए का वैल्यू कितना है 2432 और बी का वैल्यू कितना है आपका 13-2 और 5। चलिए घटाना है, चलिए घटाते हैं, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में माइनस 2 घटाएंगे तो देखो 3 में से माइनस 2 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 3। चलिए उसके बाद क्या है दूसरे में, तीसरे नंबर क्वेश्चन में 3a-c, यानी कि 3a, a का वैल्यू 2432, यानी कि 3 में a के हर एक एलिमेंट से गुना करेंगे और फिर c को घटाएंगे, c का एलिमेंट माइनस का 2534, यही ना है। चलिए अब देखिए यहाँ इंटू करते हैं 3 में इस सब से, तो आ जाएगा 6-12-9-6 और फिर घटाना है इसमें माइनस का 2534। चलिए अब इसको घटा दो आसानी से, घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8-7-6-2, समझ गए। चलिए अब फिर ए बी इंटू बी ए भी निकालना है, ए बी और बी ए निकालना है, इसको भी निकालते हैं। चलिए अगला है ए बी, चार नंबर ए बी, ए में बी से इंटू करना है, तो ए का वैल्यू आपके पास क्या है 2432 और बी का वैल्यू है 13-25। चलिए यहाँ पे इंटू करते हैं, पहले रो में पहले कॉलम से तो 2-8, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से तो 3-4, पहले रो में दूसरे कॉलम से तो यहाँ आ जाएगा 6-20 और फिर दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो 9+10, ठीक है। चलिए यहाँ से सॉल्व कर दो, क्या जाएगा माइनस का 6-26-1-19, ठीक है। अब चलिए दूसरा कह रहा है बी ए, पाँच नंबर बी ए, यानी बी में ऐसे इंटू करना, तो बी का वैल्यू पहले 13-25 और फिर ए का वैल्यू रखेंगे 2432। चलिए अब देखो गुना कर दो यहाँ पे, पहले रो में पहले कॉलम से तो 2+9, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से -4+15, पहले रो में दूसरे कॉलम से तो 4+6 और दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो -8+10, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 11-10-11 और यहाँ पे 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, बहुत सिंपल है यार। यहाँ देखो पहले में जोड़ना है तो यहाँ क्या दिक्कत है, ए में ए जुड़ेगा 2 है, बी में बी जुड़ेगा 2b, -b+b 0, a 2 है, इसको देखो यहाँ भी जोड़ना है, a² + b² + 2ab और यहाँ हो जाएगा b² + c² और प्लस में 2bc, फिर नीचे देखो a² + c² - 2ac और a² + b² - 2ab। चलिए तो ऊपर देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a+b² यहाँ आ जाएगा, b+c² यहाँ देखो हो जाएगा a-c² और यहाँ हो जाएगा a-b² कितना सिंपल है, समझ रहे हो ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर इसका 3 नंबर देखते हैं, दो का ये भी तो यहाँ जोड़ना ही यार, क्या कुछ सोचना नहीं है, 11-11-0-16-5-21-5-10-9 संगत अवयवों को जोड़ते गए। यहाँ देखो जोड़ोगे तो cos²x + sin²x हो जाएगा, फिर sin²x + cos²x हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर sin²x + cos²x और फिर यहाँ पे cos²x + sin²x। चलिए तो इनके वैल्यू 1111 रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना sin²θ + cos²θ 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, चलिए इनको गुना करना है, पहला देखते हैं इसका, यहाँ पे गुना करना है ना जी, पहले रो में पहले कॉलम से तो a² + b²
दूसरे रॉ में फिर पहले कॉलम से, तो माइनस का ए बी प्लस का ए बी, पहले रॉ में फिर दूसरे कॉलम से करेंगे तो माइनस का ए बी प्लस का ए बी, और फिर दूसरे रॉ में फिर दूसरे कॉलम से तो माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। चलिए तो यहाँ से ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे गुना करना है, इसका सेकंड नंबर देखो, पहले रॉ में पहले कॉलम से तो दो, दूसरे रॉ में दूसरे पहले कॉलम से तो दो, दो दूना चार हो जाएगा, पहले तीसरे रॉ में फिर पहले कॉलम से तो छः, फिर इसमें करेंगे तीन छः नौ, फिर इसमें करेंगे चार आठ बारह, यहाँ गुना करना है, सिंपल है यार, यहाँ भी चलो यहीं पे गुना हो जाएगा आपका, पहले रॉ में पहले कॉलम से तो आपका हो जाएगा एक माइनस चार, देख रहे ना, फिर दूसरे रॉ में फिर पहले कॉलम से तो आपका हो जाएगा यहाँ पर दो प्लस छः, ठीक है, और फिर पहले रॉ में फिर दूसरे कॉलम से करते हैं तो आपका आ जाएगा यहाँ पर दो माइनस छः, देख लो दो माइनस छः हो जाएगा, और फिर इसमें इससे करते हैं दूसरे रॉ में दूसरे कॉलम से तो आपका चार प्लस नौ, तीन तीन नौ हो जाएगा, लेकिन पहले रॉ में फिर तीसरे कॉलम से करेंगे ना आपका तीन और माइनस का दो, फिर दूसरे रॉ में फिर तीसरे कॉलम से करेंगे तो तीन दूना छः और प्लस में तीन है, ठीक है, प्लस में तीन, यहाँ से सॉल्व कर देंगे, माइनस का तीन माइनस का चार एक, आठ और तेरह और यहाँ पर नौ, ठीक है, चलिए आपका आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तीन का चार नंबर देखिए, यहाँ भी इंटू करना है ना, चलो इंटू करते हैं, पहले रॉ में पहले कॉलम से तो टू प्लस जीरो प्लस ट्वेल्व, दूसरे रॉ में फिर पहले कॉलम से तो थ्री प्लस जीरो प्लस फिफ्टीन, तीसरे रॉ में फिर पहले कॉलम से तो फोर प्लस जीरो प्लस एटीन, फिर पहले रॉ में दूसरे कॉलम से लेके चलेंगे ना तो माइनस का छः प्लस का छः प्लस का जीरो, फिर दूसरे रॉ में फिर दूसरे कॉलम से माइनस का नाइन प्लस का एट प्लस का जीरो, तीसरे रॉ में फिर दूसरे कॉलम से तो माइनस का ट्वेल्व प्लस का टेन और प्लस का जीरो, फिर पहले रॉ में तीसरे कॉलम से करेंगे, तीसरे कॉलम में करेंगे तो दस टेन आएगा प्लस फोर थ्री जै ट्वेल्व और फाइव फोर जै ट्वेंटी, ठीक है, टेन ट्वेल्व और ट्वेंटी, फिर दूसरे रॉ में तीसरे कॉलम से तो पंद्रह सोलह पच्चीस, यही ना होगा, तीसरे रॉ में तीसरे कॉलम से तो बीस 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 और तीस। चलिए अब इसको खाली सॉल्व कर देना है, आपका आ जाएगा चौदह जीरो और यहाँ देखो क्या होगा बीस तीस चालीस बयालीस, फिर यहाँ पे देखो अठारह माइनस का एक और यहाँ पे छः पाँच ग्यारह सोलह हो जाएगा, सोलह का छः एक और चार एक पाँच छप्पन आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा बाईस, यहाँ माइनस का दो और यहाँ हो जाएगा सत्तर, यही ना आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसके लिए इसका फाइव नंबर देखो, यहाँ मल्टीप्लाई करना, चलिए देखते हैं, पहले रॉ में पहले कॉलम से ऐसे ऐसे तो क्या हो जाएगा दो माइनस एक, दूसरे रॉ में फिर पहले कॉलम से तो तीन माइनस दो, इसमें इसे करेंगे तो फिर माइनस वन माइनस वन, पहले रॉ में अब दूसरे कॉलम से तो जीरो प्लस टू, दूसरे रॉ में दूसरे कॉलम से तो जीरो प्लस फोर, तीसरे रॉ में फिर दूसरे कॉलम से तो जीरो प्लस टू, और फिर पहले रॉ में तीसरे कॉलम से तो टू प्लस वन, दूसरे रॉ में तीसरे कॉलम से तो तीन प्लस दो, तीसरे रॉ में तीसरे कॉलम से तो आपका माइनस का वन प्लस का वन। चलिए क्या आ जाएगा वन टू थ्री, वन फोर फाइव माइनस टू टू जीरो, ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए तीन का छः नंबर देखिए, यहाँ भी करते हैं, पहले रॉ में पहले कॉलम से तो सिक्स माइनस वन प्लस नाइन, दूसरे रॉ में फिर पहले कॉलम से तो क्या आ जाएगा माइनस का टू जीरो और प्लस का सिक्स, पहले रॉ में दूसरे कॉलम से तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का नाइन माइनस का जीरो प्लस का थ्री, ठीक है, दूसरे रॉ में दूसरे कॉलम से तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा ना, प्लस का थ्री प्लस का जीरो प्लस का टू, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका तो यहाँ आ जाएगा आपका चौदह, चौदह हो जाएगा ना, ये घटेगा तो पाँच नौ पाँच चौदह, यहाँ आ जाएगा माइनस का छः फिर चार
और फिर पांच, ये आ गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फोर नंबर। ए बी सी तीन मैट्रिक दिए, तीन बाई तीन ऑर्डर है, तो हमें ए प्लस बी और बी माइनस सी परिकल करना है, साथ ही हमें इसे साबित भी करना है ये चीज। तो चलिए पहले हम लोग ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी मैं डायरेक्ट बना दूं क्या? ए प्लस बी आप तो पता ही है कैसे करना है, चार जोड़ लेता हूं ना, एक माइनस एक, फिर आपका नौ, दो सात, फिर आपका तीन माइनस एक, और एक तीन चार, फिर आपका क्या करना है, बी माइनस सी निकालना। तो बी माइनस सी भी मैं डायरेक्ट यहीं लिख देता हूँ, बी में से सी घटाकर। चलिए बी और सी ये रहा ना, तो माइनस का वन, माइनस का टू, जीरो, फोर, माइनस वन, थ्री, वन, प्लस का टू, जीरो, आ गया बी माइनस सी। अब चलिए अब इसका एल एच एस आर एच एस लेते हैं। एल एच एस में क्या है, ए प्लस बी माइनस सी, तो ए का वैल्यू यहाँ लिखो, ए का वैल्यू है वन टू माइनस थ्री, और बी का वैल्यू सॉरी फाइव जीरो टू वन माइनस वन और वन। बी माइनस सी का वैल्यू यहाँ पहले से ही हम लोग निकाले हैं, तो हम लोग उसी को डायरेक्ट नहीं रख दें यहाँ पे। बी माइनस सी का वैल्यू माइनस वन माइनस टू जीरो, ठीक है। अच्छा और आपका क्या है, फोर माइनस वन थ्री वन टू जीरो। अब इसको आसानी से जोड़ सकते हैं, चलिए अब इसको जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा जीरो जीरो माइनस थ्री, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे आएगा नाइन माइनस वन फाइव, फिर आपका आएगा टू वन वन। चलिए अब आर एच एस लेते हैं, तो आर एच एस में क्या है, ए प्लस बी और फिर है माइनस सी, तो ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पहले निकाले हैं, तो उसी को नहीं रख दूं मैं यहाँ पर। फोर वन माइनस वन नाइन टू सेवन और थ्री माइनस वन फोर और माइनस सी, सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू हम लोग ऊपर देख रहे हैं, ऊपर हमारा सी का वैल्यू है, यहाँ पे सी का वैल्यू यही ना है, आप इसको लेके वहाँ रख दो। फोर वन टू जीरो थ्री टू, फोर वन टू, फोर वन टू जीरो थ्री टू, जीरो थ्री टू, और क्या है जी, जीरो थ्री टू के बाद वन माइनस टू वन, वन माइनस टू थ्री है, वन माइनस टू थ्री। चलिए अब यहाँ पे घटाना है ना, चलिए घटाते हैं। तो देखो फोर में से फोर गया जीरो, वन में से वन गया जीरो, माइनस का थ्री, फिर आपका आ जाएगा यहाँ देखो नौ में से जीरो गया नौ, फिर माइनस का वन, फिर फाइव, फिर टू, फिर प्लस का वन, फिर आपका वन, तो यही ना लाना था, दोनों बराबर हो गए ना, एल एच एस आर एच एस, एल एच एस बराबर में आर एच एस, तो वेरीफाई भी हो गया और जो हमें निकालने के लिए कह रहा था वह भी हमने निकाल दिया। चलिए तो अगला देखिए पांच नंबर। ए और बी का वैल्यू दिया है हमें थ्री ए माइनस फाइव बी निकालना है। चलिए तो थ्री ए माइनस फाइव बी, थ्री ए का वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, टू बाई थ्री वन, फाइव बाई थ्री, फिर आपका क्या है, और फिर आपका है वन बाई थ्री, टू बाई थ्री, और आपका है फोर बाई थ्री, फिर है आपका सेवन बाई थ्री, टू और टू बाई थ्री। चलिए माइनस फाइव बी का वैल्यू यहाँ रखता हूँ, बी का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है टू बाई फाइव, थ्री बाई फाइव, वन, वन बाई फाइव, टू बाई फाइव, फोर बाई फाइव, सेवन बाई फाइव, सिक्स बाई फाइव, टू बाई फाइव। चलिए अब इसको घटाना है, तो आप पहले इसमें तीन से गुना करो, तीन से गुना करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा दो तीन पाँच, तीन से तीन कटते जाएगा, एक दो चार सात छः दो, माइनस पाँच से इसमें गुना करेंगे, पाँच से गुना करेंगे तो दो तीन पाँच, एक दो चार सात छः दो। अब यहाँ घटाना है तो घटा दो यार, सिंपल तो है, घटाना क्या दिक्कत है। जीरो 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 जीरो, यानी कि एक जीरो मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स यानी कि ओ लिख दिए। अगला क्वेश्चन देखिए छः नंबर दिया है, कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा साइन प्लस है। देखो ये दिया है, इसको वैल्यू कर निकालना है, इसको सरल करना है, मैं सीधे मल्टीप्लाई करता हूँ, पढ़ने की क्या जरूरत है। चलिए सिंपल मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, अच्छा फिर नीचे आएगा माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ इनटू होगा तो कॉस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा एक ही बात है। चलिए और फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, चलिए दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा,
यहाँ देखो यह प्लस में यह माइनस में जीरो, यहाँ भी माइनस में प्लस में जीरो, और यहाँ भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो वन जीरो जीरो वन, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ना दो ऑर्डर का, ऐसे भी लिख सकते हैं या यही वैल्यू छोड़ दो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेवन में एक्स और वाई, देखो एक्स वाई कैपिटल लेटर में देने का मतलब है कि वो अभिहु है, उनके मान हमें निकालने हैं। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। एक्स प्लस वाई बराबर में दिया है 7025 और एक्स माइनस वाई बराबर में दिया है आपके पास 3003। सिंपल है यार, आप पढ़े हो ना दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसी टाइप से बना देना है। वाई से वाई काट दो, 2x बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ ऐड होगा ना, जोड़ेंगे 10 0 2 8, ये दो जाएगा भाग में, हर एक एलिमेंट से भाग कर जाएगा, तो आ जाएगा आपका 5014। x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू समीकरण एक या दो किसी में भी रख दो, x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक है क्या, तो है x प्लस वाई बराबर में 7025। चलिए यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू रख देते हैं, तो x का वैल्यू हमारे पास है 5014 और प्लस में y बराबर में दिया है 7025। चलिए उधर ले जाकर घटा देंगे, तो हर एक एलिमेंट में घटाना होगा ना जी, 7025 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटा देंगे, 5014 घटा दो, यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से y बराबर में क्या हो जाएगा आपका 2011, यही ना आएगा आपका एक्स वाई आ गया, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर सेवन का टू देखिए, यहाँ पे भी इनको दो समीकरण मान लो। अब देखो यहाँ पे करना क्या होगा, या तो x या तो y को समान करना होगा, तो एक काम करते हैं y को सेम करने के लिए, x y को सेम करने के लिए इसमें दो से गुना कर देंगे और इसमें तीन से गुना कर देंगे। समीकरण एक में दो से गुना करने पर यह 4x प्लस में 6y, देख रहा हो ना, 6y बराबर में हो जाएगा यहाँ पर आपका, दो से हर एक एलिमेंट में गुना करो, 4680, और समीकरण दो में तीन से गुना करें तो 9x, और यहाँ पे हो जाएगा 6y बराबर में, सब में तीन से गुना हो रहा है ना जी, तो 6 माइनस का 6 माइनस का 3 15। चलो यहाँ पे साइन बदलो, अब ये कट जाएगा, यहाँ पे ये घटेगा माइनस का 5x बराबर में, यहाँ देखो घटाना है आपको, तो 4 में से 6 जाएगा माइनस का 2, अच्छा, और उसके बाद 6 में से ये माइनस का 6 घटाएंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, देख रहे हो ना, हाँ प्लस का 12 हो जाएगा, अच्छा 8 में से माइनस 3 घटाएंगे तो प्लस का 11 हो जाएगा, और 0 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। अब इसको भाग में ले जाएंगे इस माइनस 5 को, तो x बराबर में आ जाएगा 2/5, ये उसमें भी भाग करेगा तो माइनस का 12/5, माइनस का 11/5, और इसमें भाग होगा तो 3 आ जाएगा, x का वैल्यू यही ना आएगा आपका। अब x का मान समीकरण एक या दो में रख देते हैं, तो लिखते हैं x का मान समीकरण दो में रख दें, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो क्या है आपका, समीकरण दो था आपका आपका था 3x+2y बराबर में आपका था 2 -2 -1 और 5, यही ना था आपका ऊपर 3x+2y बराबर 2 -2 -1 5, यही ना था। चलिए तो यहाँ पे x का मान रख देते हैं 3, x की जगह रख देना है 2/5 माइनस का 12/5 माइनस का 11/5 और 3 प्लस में 2y बराबर में 2 -2 -1 और 5, इसमें गुना कर देंगे सब में और उधर ले घटा देंगे। चलिए 2 -2 -1 5, तो इधर माइनस का आ जाएगा और उसको भी गुना कर देते हैं। चलिए गुना करोगे और इधर लाके माइनस का हो गया, समझ रहे हो ना बात को, मैंने गुना भी कर दिया और इधर भी ला दिया एक ही साथ कर दिया, 6/5 माइनस का 36/5 माइनस का 33/5 और 9, यही ना हो जाएगा आपका, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे घटाओ तो सब में एलसीएम लेके घटाएंगे, तो दो में से 6/5 घटाना है, 2 में से 6/5 एलसीएम लेके घटाएंगे तो 4/5 आ जाएगा, माइनस 2 में से इसको घटाना, माइनस 2 में से घटाना है 36, तो माइनस का 36 तो प्लस का 36/5 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे माइनस का 10 यानी 26 आ जाएगा, 26/5। चलिए एक माइनस एक है और घटाना है 33/5, तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो 28 हो जाएगा ना जी, 28/5, और 5 में से 9 गया तो आपका माइनस का 4,
चलिए दो को सब में भाग कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से 2/5, 13/5, 14/5 और माइनस का 2, ये हो जाएगा y का वैल्यू। और x का ऊपर हम लोग निकाल दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, x तथा y ज्ञात करें। एक्चुअल में यहाँ करना चाहिए था x ज्ञात करें, y तो पहले से ही दिया है, x ज्ञात करना है। चलिए हमारे पास दिया है 2x + y बराबर में, यहाँ पर दिया है ना जी 1, 0, -3, 2, y का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 2x + y का वैल्यू है 3, 2, 1, 4, उधर ले जाके माइनस का करेंगे 1, 0, -3, 2। चलिए तो 2x बराबर में हो जाएगा, उधर जाके घटाएंगे ना 1, 0, -3, 2 और माइनस का है 3, 2, 1, 4। चलिए घटाते हैं तो 2x बराबर में यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 2, माइनस का 2 या माइनस का 4 और माइनस का 2, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसको ले जाते हैं भाग में, तो यह 2 जाके सबसे भाग कर देगा तो आपका आ जाएगा यहाँ से -1, -1, -2, -1, यही ना आएगा आपका। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, इसमें x और y याद करना। तो सिंपल है यार, पहले 2 से इसमें इंटू करो, 2, 6, 0, 2x, अच्छा, और प्लस में है आपका y, 0, 1, 2, बराबर में है आपका 5, 6, 1, 8, यही ना है। इन दोनों को पहले जोड़ना होगा तो हो जाएगा 2 + y, 6 + 0, 6, 0 + 1, 1 और 2x + 2, यही ना हो जाएगा। और बराबर में है 5, 6, 1, 8, अलग अलग कर देते हैं यहाँ से, 2 + y बराबर में 5 और 2x + 2 बराबर में 8, ये जाके उधर घट जाएगा, y का वैल्यू 3 आ जाएगा और ये जाके उधर घटेगा तो 2x बराबर में 6 और x बराबर में यहाँ भी ये भाग करेगा तो 3 आ जाएगा, तो x भी 3 और y भी 3 आ गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में क्या करना है, यहाँ में निकालना है x, y, z और t का वैल्यू हल करके यहाँ से। चलिए देखते हैं, इसमें 2 से सबसे इंटू करेंगे ना, चलो पहले डायरेक्ट 2 से सीधे इंटू ही पहले करता हूँ, क्वेश्चन तो दिया ही है 2x, 2z, 2y, 2t और यहाँ 3 से सबसे इंटू करना है तो 3 - 3, 0, 6, इधर भी 3 से इंटू करना है तो 9, 15, 12, 18। चलिए अब देखो यहाँ ऐड हो जाएगा ना पहले, तो हो जाएगा 2x + 3, 2z - 3, 2y, 0 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2t + 6 बराबर में है 9, 15, 12, 18, समझ गए। अब अलग अलग यहाँ से कर देंगे, 2x + 3 बराबर में 9, 2z - 3 बराबर में 15, 2y बराबर में 12 और 2t + 6 बराबर में 18, ये जाके उधर घटेगा 2x बराबर में 6, x बराबर में 3 आ जाएगा, ठीक है। चलो y निकालते हैं, ये उधर जाके भाग में 6 आ जाएगा, अच्छा अब इसके बाद z निकालते हैं, ये जाके उधर जुड़ेगा ना, ये जुड़ेगा तो 2z बराबर में 18 हो जाएगा, ये जाएगा भाग में, z बराबर में 9 आ जाएगा। इसको ले जाके उधर घटाओ तो 2t बराबर में 12, t बराबर में 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा, समझ गए सबके वैल्यू आ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे भी हमें x y निकालना है। तो सिंपल है यार, पहले x से गुना करो इसमें, 2x 3x, अच्छा यहाँ y से गुना होगा, माइनस का y प्लस का y और बराबर में है आपका 10 और 5। चलिए यहाँ से अब ऐड हो जाएगा ना पहले, 2x - y और यहाँ से 3x + y बराबर में है 10 और 5। चलिए अलग अलग कर देते हैं यहाँ से, संगत अवयव बराबर, 2x - y बराबर में 10 पहला समीकरण और 3x + y बराबर में 5 यह दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों से हम लोग एक्स वाई का मान निकाल देते हैं, सिंपल है यार, वाई से वाई कट जाएगा, यहाँ पे 5x आ जाएगा ना जी, 5x बराबर में 15, x बराबर 3 आ जाएगा, ये 5 जाके भाग करेगा तो x का मान समीकरण 2 में रख दे, समीकरण 2 देखिए तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में रख देंगे तो रख दो 3x + y बराबर 5, यही ना है, 3 × x जगह 3 + y बराबर में 5, 9 + y बराबर में 5 यानी कि y का वैल्यू माइनस का 4 आ जाएगा, उधर जाके 9 घटेगा तो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे हमें x, y, z, w के मान निकालने हैं। सिंपल है यार, पहले इसमें 3 से गुना करो, ये सब में 3 से गुना करना है ना, तो 3x, 3y, 3z, 3w बराबर में इधर है आपका, जोड़ना है तो जोड़ दो ना, x + 4, 6 + x + y -1 + z + w और 2w + 3, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर करो, 3x बराबर में x + 4
ठीक है, और फिर 3y बराबर में 6 प्लस एक्स प्लस वाई। देखो यहाँ से इसको इधर लाओ तो ये घटेगा, 2x हो जाएगा, 2x बराबर में 4 यानी x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब y निकालना, तो इसको इधर लाओ, इधर ला के घटाओ तो 2y बराबर में 6 प्लस एक्स, चूंकि हमारा x बराबर 2 है, x बराबर 2 हमने निकाल दिया तो यहाँ पे रख सकते हैं ना, तो 2y बराबर में 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 2y बराबर 8 यानी कि y बराबर में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला बराबर करते हैं, यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, लास्ट वाले को पहले कर लेते हैं, 3w बराबर में 2w प्लस 3, ये आके इधर घट जाएगा तो w बराबर में 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए चौथा ले लो, तीसरा लेना है 3z बराबर में माइनस का 1 प्लस w, z प्लस w यही ना है आपका। चलिए यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पहले z को इधर लाके घटा दो, तो 2z बराबर में माइनस 1 प्लस w, 2z बराबर में माइनस 1, w का वैल्यू 3 रख देते हैं चूंकि w बराबर यहाँ 3 हम लोग निकाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ घटेगा तो आपका 2 हो जाएगा, 2z बराबर 2 यानी कि z बराबर में 1 आ जाएगा, तो सबके वैल्यू आ गए ना। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।